रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग होगा गाड़ी के मतलब, तो चलिए अल्लाह के फजल करम से करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज जब सुबह मैं काम से वापस आया तो मैंने देखा कि गाड़ी का ये टायर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि क्या वजह है, क्यों गर्म था, तो पता चला कि इसका कैलिपर ठीक नहीं है। अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ, अभी चलते हैं गैराज में तो वहाँ पर आपको दिखाएँगे कि क्या मसला है। पर मेरे हिसाब से इसका कैलिपर जो है ना वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्रेक को वापस छोड़ता नहीं है, टाइट कर देता है साथ इसको, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो चलिए अल्लाह के फजल करम से चलते हैं गैराज में और देखते हैं कि कोई बड़ा काम ना हो, कोई छोटा ही काम हो, तो वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ होना है, तो मैं दिखाऊंगा जब ये रिपेयर वगैरह होगा। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, गाड़ी पार्क की है, ये डीन एमओटीज इसका नाम है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में गैरेज वगैरह कैसा है ये। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी के टायर की सिचुएशन आपको दिखाता हूँ, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गर्म होता है। ये देखिए बाप निकल रही है, कैसे आपको शायद नज़र आ रही होगी बाप, ये देखिए ये धुआं निकल रहा है इसमें से। ये थे टायर की हालत, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गैरेज। गैरेज देखिए कितना ज़बरदस्त गैरेज है। अरे मैं आपको दिखाता हूँ नाम इसका, ये गैरेज बेसिकली मेरे कज़न का है, ये गैरेज का नाम है। एक साइड पे एमओटी वगैरह करते हैं और दूसरी साइड पे गाड़ियाँ रिपेयर वगैरह करते हैं। ये अभी एक गाड़ी रैंप पे लगी हुई है इसके साथ पी के लिए, ये एमओटी का रैंप लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। और ये उधर स्पीड चेक कर रहे हैं, इसकी ब्रेक हॉर्स पावर चेक कर रहे हैं। ये देखिए ये चीज़ें वगैरह, ये सॉरी ये क्लॉक कैसे घूम रहा है दिखाएगा अभी। ये देखें मैं दिखाता हूँ कि टायर कहाँ पे घूम रहे हैं। ये नीचे लगी हुई है ये चीज़, ये घूमती है, ये देखें यहाँ पे टायर घूम रहे हैं, ये नीचे कोई चीज़ लगी हुई है जो चेक करते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, आप देख सकते हैं। और वो सामने, और मुझे अपनी गाड़ी अंदर लाने दें क्योंकि ये रैंप मेरे लिए खाली है, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई थी। ये हैं गैराज के मालिक और इनके पास देखें क्या चीज़ें वगैरह, देखें हर तरह के टूल किट्स पड़ी हुई हैं हर चीज़। और इस तरफ एक और गाड़ी लगी हुई है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं इसमें क्या मसला है, ये तो लगी है उस तरफ गाड़ी की मोटी हो रही है। और ये अभी इसे उठाने लगे हैं गाड़ी को, ये देखिए ये देखें ये टायर सेज हुआ हुआ था, ये देखें कितना जोर लगाना पड़ रहा है इसे, ये देखें इस साइड पे कैसे घूम रहा है आसानी से, टायर खोलने लगे हैं। और ये टायर खोलने के लिए की होती है हर गाड़ी की अपनी स्पेशल होती है, और ये मेरी गाड़ी की है, एक बोल्ट इसके अंदर ऐसा होता है कि जो उस की कहते हैं बेसिकली, उसके साथ खोला जाता है। ये लगाई इन्होंने मशीन और फौरन से ही ये देखे, सारे टायर खुल गए, बोल्ट खुल गए विद इन वन मिनट। अब ये वाली चीज़ ठीक करेंगे। This is the part he required.
लगता है फायर को वाट फायर। ओके ये पहले भी ऑडी का ही लगा हुआ था, ऐसे काफ़ी टाइम हुआ है चेंज नहीं कराया जब से गाड़ी ली हुई है, क्योंकि इस हर चीज़ की काफ़ी लिमिट होती है। इनके पास यहाँ तीन चार बंदे हैं काम करने के लिए, और साथ इस तरफ देखें ये गाड़ी, इसका इंजन वगैरह खुला हुआ है इन्होंने। अभी मैंने पूछा तो क्या करें, कह रहे इंजन वगैरह खुला हुआ है। ये है मर्सिडीज़ है, यहाँ पे हर तरह की गाड़ी का काम करते हैं ये, कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ते ये। और ये काम करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, जो कि तो इन्होंने 4 साल कॉलेज में लगाए हैं, उसके बाद जाके फिर इन्होंने ये अपना गैराज खोला है। अगर आप क्वालिफाइड ना हो तो नई काम नहीं कर सकते ये। और साथ ये वाला एमओटी वाला, इसके लिए भी आपको कोर्स वगैरह करने पड़ते हैं, तब जाके कर सकते हैं आप। ये मेरे ख्याल से अभी बंद कर रहे हैं सारा कुछ, चलिए दिखाते हैं आपको। स्पेशल रूल है इसके साथ ये बंद कर रहे हैं। But I don't deal with no welding, brother. Oh, you don't deal with welding. No. All right. It's fine, brother. It's fine. Sorry. आपको ये अपॉइंटमेंट बुक नहीं करानी पड़ती, आओ तो उसी टाइम सोहेल भाई काम करके दे देते हैं इंशाल्लाह। और बहुत बिजी इनका काम है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी करे। जी इस साइड पे ने मेरा कैलिपर खोल लिया गाड़ी का, ये गाड़ी क्लोज हो रही है। ये यहाँ पर वाइपर लगे होते हैं, अभी ये इस गाड़ी का पार्ट ऑर्डर करेंगे, आपको दिखाते हैं ये पार्ट यहाँ पे कैसे ऑर्डर करते हैं। ये पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं गाड़ी का, नियर साइड फ्रंट कैलिपर प्लीज। आपको थोड़ा सा गाड़ी और दिखा देता हूँ, इनके क्या कोई इक्विपमेंट हैं और वायर कैसी क्या सोच रहा है वो मैं सारा आपको दिखाता हूँ। इसके साथ ये चेक करते हैं स्मोक वगैरह, ये स्मोक मशीन है, इसका अगर चीज़ लगी हुई है, ये गाड़ी के सलेंसर एग्जॉस्ट में जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में सलेंसर कहते हैं। और फिर ये यहाँ सिस्टम पर देखते हैं कि एग्जॉस्ट की क्या कंडीशन है, अंदर से कितना गाड़ी धुआं छोड़ती है। ये बाहर देखिए कितना बिजी है यहाँ में, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, गाड़ियाँ देखें बहुत ज़्यादा खड़ी हैं इधर।
वहाँ पे ये हर टाइम कोई ना कोई गाड़ी रहती है। ये देखिए कौन कौन सी गाड़ी में काम करते हैं। ये टॉप पे एमओटी का साइन बना हुआ है, लिखा हुआ क्या क्या करते हैं, क्या कुछ है। VW Audi है, पेजो है, सिट्रन है, फीएट, मर्सिडीज, टैक्सी हैं, प्राइवेट हायर सारी करते हैं ये सारे। ये रूम बनाया हुआ है इन्होंने एक बैठने के लिए, इधर कंप्यूटर वगैरह है, बैठने की जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है, देख सकते हैं। ये डोर खोल देते हैं, पर अभी सुबह का टाइम है, अभी नहीं खोली है इन्होंने, जब ज़्यादा बिजी तो बैक वाले डोर खोल देते हैं। ये पूरी किट लगी हुई है MOT के। ये है ऊपर का व्यू गैरेज का, नीचे काम वगैरह हो रहे हैं। पर है अभी देख सकते हैं कैसा होता है। ये है ब्रेक ऑयल का पाइप, ये इन्होंने बंद किया है, एक टूल होता है स्पेशल उसके साथ से बंद करें ताकि ये लीक ना हो। ये देखते ये देख सकते हैं कैलिपर लग गया। ब्रांड न्यू लगाया अभी। काम फिनिश हो गया इसका, लग गया है, अभी जाके गाड़ी को वॉश करवाना है। गन हो गई के साथ इसके बाद दीजिए मुझे इजाज़त हल्लाने के बाद।